अब ऊपर की साइड दिख जाता है आपको, देखो ये रहा ऊपर की तरफ दिख गया होगा एक तो ये रहा बोल्ट ये वाला। इन दोनों को खोल लेना है, फिर मतलब इसको खोल के मतलब एक तो यहाँ पर वो एक मोटर सी लग रही है जो कि हेड लाइट को एडजस्ट करने के लिए। हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल, मेरा नाम चैतन जहांगीर। देखो अपनी बोलेरो के अंदर दो हेड लाइटें क्या है, दोनों पीली हो गई थी, उसको थोड़ा क्या है येलो पर आ जाता है अपनी हेड लाइटों के अंदर। मतलब जो जैसे जैसे अपनी गाड़ी भी पुरानी होती जाती है तो उसके यार जो ये इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है जब भी पुरानी होते जाते हैं, इस कारण देखो इसकी गाड़ी की लाइटों में थोड़ा येलो बना गया था। इधर आए यार, अभी इसके देखो येलो पर आ चुका है, मतलब इसको आपको दिख रहा होगा मतलब ये पूरा येलो पर आ गया गाड़ी के लाइट में, जो कि अच्छा रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाती और मतलब लुक में भी अच्छा नहीं लाती है। आगे से लाइट बिल्कुल भी बदी बदी सी लगती है। देखो इस ये वाली लाइट में और इस वाली लाइट में दोनों के अंदर आपको डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि इसको हम बिल्कुल साफ कर दिए और बिल्कुल क्लीन आउट कर दिए मतलब इसको खोल कर। अभी ये खुली कैसे लाइट, पहले तो अपन देखो यहाँ पर ग्रिल से लगी हुई थी, उसको मैंने बाहर निकाला था, वो ग्रिल के मतलब उसके अंदर 10 की गोटी लगती है। मतलब ये देखो यहाँ पर बोल्ट था एक, तो ये कि यहाँ पर बोल्ट था, दो बोल्ट यहाँ पर थे दोनों, और दो बोल्ट ये ऊपर की तरफ ये रहे। ये तो क्या ऊपर की तरफ डीले कर लिया करो और नीचे की तरफ खोल लिया करो आप, यानी आप ये बोलो मैं येलोपन आ गया होगा इन लाइटों के अंदर, उसको थोड़ा साफ कैसे करें। ये क्या है देखो, बाहर से आप कई वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर जो कि मतलब बाहर की तरफ से मतलब वो लगा के मतलब कैसे मतलब वो कोलगेट लगा कर ऐसे साफ करके बताते भाई, थोड़ी बहुत होगी साफ फिर वो वापस से येलोपन वापस से आ जाएगा। अब ये दोनों के मतलब दोनों के अंदर मतलब इसको करे ना, मतलब बाहर से भी मैं इसको करके बताऊँ ना आपको, येलोपन दिख रही है ना बिल्कुल येलो वीडियो के अंदर तो इतनी फिर भी नहीं दिख रही येलो, वैसे मैं रियल आई से देख रहा हूँ तो बिल्कुल येलोपन नज़र आ रही है। देखो इसको अपन ये अभी कल नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊँगा, ये वाली लाइट बिल्कुल दोनों के दोनों मतलब वो तो कर दिया मैं, और हालांकि इसको आधी लगा भी दिया मैं मतलब आगे के दो पेज लगा भी दिया। अभी इसको खोलेंगे तो बताऊँ कैसे खुलेगी, पहले ग्रिल को खोलना, जो ग्रिल चार बोल्ट है जो खुलेगी एक दो और तीन और चार, इन चार बोल्टों से एक ग्रिल खुलेगी। और इसके अंदर बताऊँ तो आपको बात करूँ तो इसके अंदर बात करूँ तो ये हमारी थोड़ी सी टच हो गई थी, मैं इसको खोला था तो फिर मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा रिपेयर भी कर दे, इस कारण इसको अंदर 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 से ठोक ठोक के मैं बाहर डेंटिंग तो खुद ही निकाल लिया मैं वैसे तो। अब जैसे इसकी बात करें तो ये क्या है, इसका एक कवर है ये देखो, जो कि आयरन का बना हुआ आता है, जो कि इसके अंदर ये हेड लाइट के दो मतलब दो बोल्ट लगे हुए रहते हैं मेन, जो कि हेड लाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो वन तो ये रहा, एक तो ये लगा हुआ है और एक ऊपर की साइड दिख जाता है आपको, देखो ये रहा ऊपर की तरफ दिख गया होगा एक तो ये रहा बोल्ट ये वाला। इन दोनों को खोल लेना है, फिर मतलब इसको खोल के मतलब एक तो यहाँ पर वो एक मोटर सी लग रही है जो कि हेड लाइट को एडजस्ट करने के लिए काम में आती है, और एक मतलब बल्ब लग रहा है जो कि मिड ऑफ लाइट लग रहा है जो कि अंदर से दिखता। देखो मैं आपको इधर से बताऊँ ना, ये सारे एलिमेंट को खोल लेना है आपको और इसको मतलब कैसे वॉश करोगे अंदर से मैं बताऊँ आपको। एक दांत साफ करने की ब्रश आती है जो कि आप पुरानी मतलब यूज़ में ले चुके होंगे या कैसे मान लो या नहीं ले लेना, 20 रुपये की आती है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। अब देखो ये आपको इसमें उसको ले लेना है और थोड़ा सा शैम्पू ले लेना है और थोड़ी सी कोलगेट ले लेना, पहले से बाहर से इजिली क्लीन करके अंदर की तरफ से मतलब इसको इस हेडलाइट को पूरी यहाँ से मत खोल देना, मतलब ये दिख रहा है ना आपको मतलब इन लोगों को मत खोल देना। क्या है कि वाटर रेजिस्टेंट आती है अपनी ये हेडलाइट, जिसके अंदर क्या है ये उमस से नहीं आती कि फोक सा अंदर की तरफ जम जाता है मतलब ठंड के अंदर, ऐसे इसको खोलना मत नहीं तो अपनी हेडलाइट पूरी ख़राब हो जाएगी। देखो रियल टाइम बताऊँ तो इसके अंदर पानी भर लेना है, वैसे अंदर से कोई वो पानी भर के साफ कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है अपनी इसके अंदर। पहले इसके अंदर मैं बताऊँ इसको खोल के मतलब अंदर से देखो बिल्कुल बढ़िया दिख रही है, अभी तो नई हो गई बिल्कुल। अब इसको खोल के मतलब हेड लाइट को अंदर से है ना, फिर ब्रश थोड़ी सी खोल के डाल देनी है अंदर की तरफ है ना, फिर उसको खोल कर अब अंदर से थोड़ी जितना आ जाए ना अपने ब्रश से बिल्कुल साफ कर क्लीन कर देना है, फिर इसके अंदर थोड़ा अंदर से मतलब पानी डाल के इसको जो मतलब अपन जो खोलते हैं ना वैसे जो खोल देना है हेड लाइट को, मतलब सारे जितने भी हेड लाइटें हैं ना हेड लाइट के अंदर उनको सबको बाहर निकाल के फिर इसको लाइट को जो खोल देना है, फिर बढ़िया दो तीन बार जो खोल के फिर एक बार बिल्कुल सुखा देना है अपनी लाइट को, फिर है ना बाहर की तरफ वो आता है ना मतलब कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, वो आराम से इसको लगा के कपड़े की मतलब थोड़ा सा मालिश करते हैं ना उस तरीके से इसको
बार बार रगड़ना है कपड़े से कम 10 मिनट तक इसको रगड़ते रहना है। इस फिर इसका येलोपन है ना जो थोड़ा साफ़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर येलोपन है इसका, थोड़ा यहाँ से क्लीन नहीं हुआ और सेंटर ऑफ द लाइट बिल्कुल भी क्लीन हो गई है। मतलब इसकी असेंबली बस इतनी कोई ज़्यादा है नहीं। इसके असेंबल करने के लिए अपने को ये दो बोल्ट खोलने पड़ेंगे जो इजीली पेचकस से खुल जाते हैं। जो देखो अपने जो भी थे ना जो जो काम में आए अपने, देखो ये रे औजार यही काम है अपने को, ज़्यादा आए नहीं। जिसके अंदर 13 गोटी लगी हुई है, एक 14 गोटी लगी हुई है, 13 ही गोटी काम में आती है, एक 10 की गोटी काम में आती है। भाई आप लिया कोई ज़्यादा की तो आती नहीं है। मतलब 60-60 रुपये की एक गोटी है, ये एरिया हैंडल आएगा। मतलब 350 रुपये के अपने मतलब सामान आते हैं, मतलब उसको खोलने के बोले रखो जो मैकेनिक की बजाय तो अपने को मतलब पूरा खर्चा बता देते हैं, अपने पूरा ही बचा लेते हैं अपने तो लगता क्या है। अब देखो ये पूरी लाइट अपनी येलो बना गई, इसको खोलने के लिए इधर पीछे की तरफ भी है ना एक कवर, प्लास्टिक का कवर हो रहा था उसको खोलने के लिए। मैं बताऊँ इधर बात करें तो इधर की तरफ एक प्लास्टिक का कवर लग रखा है। देखो ये वाला इसके मतलब ये 4 बोल्टों के अंदर लगा हुआ रहता है। ये भी 4 बोल्टों के अंदर लगा हुआ रहता है। एक तो ये दो तो नीचे की तरफ लग रहे हैं और दो ही ऊपर की तरफ लग रहे हैं। देखो कैमरा है थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि यार अंदर की तरफ जगह नहीं मिलती ना कैमरा ले जाने के लिए, इस कारण हिल रहा है थोड़ा सा। अभी देखो इधर नीचे की तरफ 4 बोल्ट 2 बोल्ट तो यहाँ पर प्लेसमेंट दे रखी है इनकी और 2 बोल्ट ऊपर। इनको खोलते ही मतलब ऐसा सीन होगा। देखो आपको ऐसा एरिया सीन होगा, उसको ये ऐसा वाला एरिया सीन होगा। इसको बिल्कुल भी आराम से खोलना है क्योंकि ये मेरे पास क्या है, फ्री हो गया था बिल्कुल, अंदर की तरफ से मतलब घूमने लग गया था, अंदर की तरफ से पूरी लाइट में से घूमने लग गया था ये वाला बोर्ड। इस वाले बोर्ड के मतलब डायरेक्ट से प्लेसमेंट है हेडलाइट से, क्योंकि डायरेक्ट हेडलाइट से ही मतलब घूमने लग गया था ये बिल्कुल भी। फिर यार फिर मेरे को तो फिर कम से कम आधा घंटा लगा था मेरे को इसको खोलने में, इस कारण मेरे को कल का पूरा दिन खराब हो गया। इस कारण मैं फिर ऐसे कैसे खड़ी कर दिया, कल करेंगे कॉलेज से आकर, मेरे कॉलेज भी जाना इंपॉर्टेंट है फिर यार। इस कारण ये वाली मोटर दिख रही है ना आपको, इसको आराम से बाहर की मतलब इसको ऐसे घुमा कर हल्की सी है ना लोक में से निकाल कर हल्की सी बाहर की तरफ, हल्की सी क्या थोड़ा तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इसको बाहर की तरफ खींचना है। इस वाली मोटर को बाहर की तरफ खींचना है मतलब इजीली निकल जाएगी। फिर ऐसे मैं सोचना भाई टूट गई है अंदर से, ये टूटेगी नहीं, ये मोटर तो यही है इसके अंदर। फिर है ना फिर मेन वाली हेडलाइट को मतलब 2 स्क्रू रहेंगे उनको खोलना है, फिर ये वाला निकलेगा। देखो अंदर की तरफ 3 स्क्रू लगे रहेंगे जिसके अंदर 1-2 के अंदर तो हेडलाइट वो मतलब लैम्प आता है ना हेड लैम्प का, उसकी प्लेसमेंट रहेगी रेक स्क्रू के अंदर। ये दिख रहा नहीं है क्या आपको, ये रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट रहेगी, इसको आराम से निकाल देना और कुछ भी एलिमेंट नहीं खोलना अंदर का बिल्कुल भी, हेडलाइट से मत छेड़खानी मत करना मतलब ख़राब हो जाएगी। देखो ज़्यादा करोगे तो मतलब खोल देना, इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है जो खोला मार के मतलब बाहर की तरफ पानी वापस खाली कर देना। फिर एक बार इसको मतलब कोलगेट लगा के फिर है ना थोड़ा कोलगेट लगा कर अंदर से क्लीन करके बिल्कुल एक दो बार कर लेना है, फिर बाहर से भी कर लेना है। फिर एक बार बिल्कुल साफ कपड़े से पहुँच कर फिर इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर बिल्कुल कर देना है साफ, तो अपनी हेडलाइट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। देखो अब इसका नेक्स्ट पार्ट कल की वीडियो में आएगा, बस आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल वाली वीडियो के अंदर बिल्कुल भी फिटेड मिलेगी आपको दोनों की दोनों हेडलैम्प, और थोड़ा सा मैं इसको खोल के भी पार्ट डाल दूंगा। देखो और क्या डाले यार पार्ट खोल कर, इसको डालू क्या, चलो डाल दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस कल की वीडियो जल्दी ही आएगी अपनी।